वेलकम बैक गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ये कह रहे हैं, जिसके पास थ्री टाइप की वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बताना है सब एरे का जो पॉसिबल। जैसे ये सब एरे देखो, इसमें क्या है, सार ये जो सब एरे है, अगर मैं सारे एलिमेंट कंसिडर करता हूँ तो क्योंकि जीरो है इसमें तो नहीं ले सकते। तो इतने पार्ट को अगर हम देखें तो इसका सब एरे का मैक्सिमम सम आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है जो कि 180 है। ये हमें रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें नॉर्मली इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक हमें थिंकिंग करना है इसमें। देखो प्रोडक्ट का क्या मतलब, प्रोडक्ट देखो अगर सारे पॉजिटिव नंबर हुए फिर तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तो सारे एलिमेंट पॉजिटिव है तो वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमाइज ही होगा प्रोडक्ट। ठीक है, नहीं ऑल पॉजिटिव के केस में हमें दिक्कत नहीं। इसका ब्रूट फोर्स तो आप इसको बताने की नीड नहीं है। वैसे ब्रूट फोर्स में क्या है कि दो सब एरे दो फोर लूप से आप एक्सेस करना, ठीक है, और फिर चेक कर लेना कि मैक्सिमम क्या है। तो इससे एन स्क्वायर का सॉल्यूशन हो जाएगा ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 n जो है 500 है, तो ये एन स्क्वायर भी एक्सेप्ट कर लेगा। बस यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट में देखो एरे आई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग यूज़ करना जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। क्यों लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि देखो मैक्सिमम 500 एरे हो सकता है। मान लो सभी की वैल्यू अगर 10 की पावर 2 हो तो देखो कितने हो जाएगी, तो वो एक बहुत ही लार्ज नंबर हो जाएगा जो कि इंट में नहीं हो पाएगा। इसलिए देखो रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग। तो ब्रूट फोर्स क्या हो जाएगा, वो सोच सकते एन स्क्वायर का हो जाएगा ऑर्डर होगा। हमें इसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज में देखो भाई कि हमने देखा सारे पॉजिटिव है, उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबका सब एरे का प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव अगर इवन टाइम है, जैसे अगर देखो इस सब एरे में देखो नेगेटिव कितने टाइम है, 2 बार ही है, यानी इवन टाइम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो नेगेटिव आता है और नंबर ऑफ टाइम, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे उस नेगेटिव को इग्नोर करने का। जैसे मान लो ये नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं इग्नोर कर देता हूँ तो मेरे पास सब एरे क्या बचा, एक लेफ्ट सब एरे और एक राइट सब एरे। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से क्या आ रहा, आंसर 6 आ रहा है, राइट से देखो 0 आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या हो गया 6। तो यानी हम अगर नेगेटिव को इग्नोर करते हैं तो हमेशा देखो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, ये प्रीफिक्स हो गया इसी से इसका लॉजिक है, और एक सफिक्स एरे में, सफिक्स पार्ट में। हम क्या करेंगे, दोनों का आंसर निकालेंगे और जो भी मैक्स होगा वो हम क्या करते हैं, स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड केस आता है जीरो वाला केस। देखो जीरो में भी सेम ही, अगर मैं जीरो पे आता हूँ तो इससे पहले एक सब एरे होगा, इसके बाद भी एक सब एरे होगा, अगेन इसका कुछ आंसर होगा, इसका कुछ आंसर होगा, तो इनमें से हमें मैक्स लेना है। तो यही है, हमें प्रीफिक्स मेंटेन करके चलना है सफिक्स। अब जैसे देखो, जैसे मैं प्रीफिक्स मेंटेन करके चलाऊँ तो यहाँ तक मैं जब आऊँगा, जैसे मैं इसके बाद एलिमेंट पे जाता तो जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाए तो इसका क्या मतलब, प्रीफिक्स जीरो हो जाए तो दोबारा से सब एरे स्टार्ट हो जाए, समझ आ रहे। देखो जैसे एग्जाम्पल ऐसा होता, 4 3 -1 5 0 3 4 -2 -1। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे आते इतने पार्ट का जब हम निकाल लेते, तो देखो जैसे यहाँ पे जाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना हमारा सब एरे का जो प्रीफिक्स सम है, तो उस केस में हम नया सब एरे यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक ड्राई रन कर देता हूँ, फिर इसको कोड करेंगे, कुछ इसमें मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम दो एरे लेके, दो पॉइंटर लेके चलेंगे, एक प्रीफिक्स जो कि स्टार्टिंग से प्रोडक्ट रखेगा और एक सफिक्स आएगा जो एंडिंग से आएगा। इनिशियली 1 होगा, सफिक्स भी क्या होगा, 1, ये लास्ट से करेंगे। ठीक है, तो एक फोर लूप चलाएंगे यहाँ से लेकर। ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंटर की हेल्प से कर सकते हो या इसी का हेल्प से कर सकते हो। कैसे, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्स है, तो हम मुझे 8th इंडेक्स पे पहुँचना है, तो कैसे जाऊँगा। देखो एन की वैल्यू 9 है, 9 साइज कह रहे हैं, एन माइनस आई करने पे क्या आएगा, ये 9 - i, अभी 0 पे, तो ये 9 आ जाएगा। तो 9 मतलब ये इंडेक्स, तो -1 अगर मैं और कर देता हूँ इसमें से देखो, तो ये 8 हो जाएगा, और 8th इंडेक्स जो है ये, बस हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है एन माइनस आई किसके लिए, सफिक्स के लिए। तो हम यहाँ पे आए, 4 को प्रोडक्ट किया इसके साथ, ये हो गया 4, और एक आंसर वेरिएबल लेकर चलेंगे तो इन दोनों का मैक्स आएगा। ठीक है, 4 आ गया। ऐसे प्रीफिक्स में क्या आएगा, देखो पहले 1 था और ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले एलिमेंट से। इसको मैं पॉइंटर भी दिखा देता हूँ ताकि समझने में थोड़ा, तो यहाँ से आ गया -1।
ठीक है। अब मैक्स क्या है, आंसर हो जाएगा 4। तो देखो इससे क्या कंसिडर हुआ, ये सब एरे इतना पार्ट हुआ और ये सब एरे इतना पार्ट हो गया। तो हमने दोनों को इंडिविजुअली देख लिया, फिर हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ेंगे। आंसर अभी 4 है, आई आ गया। जब आई आगे आएगा तो देखो इसके अकॉर्डिंग जे भी चेंज हो जाएगा ना, जे भी आगे आ जाएगा। कैसे चेंज हो गया, देखो आई की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे रखो 9 माइनस आई 1 है और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा 7। देखो 7 इंडेक्स पे आ गया, समझने के लिए बस ये रखा है। अब ये न्यू एलिमेंट 3 आया तो 3 इससे प्रोडक्ट होगा तो दैट इज 12। सिमिलरली इस एलिमेंट को हम प्रोडक्ट करेंगे माइनस 2 से तो ये आ गया 2। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम क्या है 12, तो आंसर है अपडेट हो जाएगा 12। अब इसने कौन सा सब एरे कंसीडर किया, देखो ये पार्ट वाला ऐसे और इसने ऐसे कर दिया, तो ये दोनों वाले कंसीडर हो गया। फिर हम नेक्स्ट आई को आगे बढ़ाएंगे, आई यहाँ आ गया तो ये अगर मल्टीप्लाई होता है माइनस 1 से तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब नेक्स्ट जे भी यहाँ आ जाएगा तो जे को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इससे 4 तो 8। क्या अपडेट हो सकता है, आंसर नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो ये नेगेटिव वाला इग्नोर होके पहले ही हमारा आंसर इतना पार्ट में से मैक्स अगर होता तो देखो 12 हो चुका है अपडेट, समझ रहे हो। ठीक है, अब आई को फिर आगे बढ़ाते हैं तो आई आगे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 5। 5 आने से क्या हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है, अब जे भी फिर यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ से करेंगे 24। अब मैक्स क्या है, देखो 24 आ गया तो ये अपडेट हो गया 24 हो। ठीक है, फिर हमने आई को आगे बढ़ाया और जे भी यहीं आ जाएगा फिलहाल। अब देखो 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0, ये 0। तो हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, जैसे ही देखो 0 हो गया तो अब देखो 0 होते ही हमें दोबारा से क्या स्टार्ट करना होगा। जैसे ये यहाँ तक का देखो इतने सम का प्रीफिक्स क्या आ रहा है 0, तो इस कंटिन्यू सब एरे का क्या मतलब, कंटिन्यूस एलिमेंट लेना होता है हमें। तो अगर मैं इस एलिमेंट को कंसीडर करूँगा और फिर मैं आगे बढ़ भी जाता हूँ तो आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट निकाल रहे, यानी हमें भैया प्रीफिक्स को ना फिर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से फिर से प्रीफिक्स स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी प्रीफिक्स को फिर से क्या कर देंगे 1 और आई को आगे बढ़ा देंगे। आई यहाँ आ जाएगा और प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों क्योंकि 0 हो रहे हैं तो दोनों को हमने दोबारा से सेट कर दिया। ये भी 1 आ गया, ये भी 1। ठीक है, अभी आई यहाँ आ गया तो जे यहाँ चला है, जे भी एक आगे चलाएगा तो यानी जे यहाँ। ठीक है, आप देखो यहाँ से 3 आ जाएगा तो 3 का बन जाएगा हमारे पास ये है, और जे यहाँ पे आएगा तो ये 5 बन जाएगा। क्या अपडेट हो सकता है, नहीं। तो आई आगे आ गया, फिर ये 4 से जाएगा तो ये हो जाएगा 12 और ये जे यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -5। यानी प्रीफिक्स सफिक्स पूरा चलेगा फिर आगे जाएगा ये। हमारा मैक्सिमम आंसर इसका क्या है, 24 ही आएगा। और वो कौन सा केस से आ रहा है, इस वाले से। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम में था, इसमें देखो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हम सिर्फ एक आई चलाएंगे और जे तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं दूसरी वैल्यू से। लेट्स कोड इट, अगर समझ में आए तो सिंपल एक एग्जांपल लेके ड्राई रन करना, इजी क्वेश्चन है काफ़ी। तो लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि देखो कंस्टेन, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें इंट में क्या होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखो इतने एन की मैक्सिमम 500 हो, अब 500 टाइम अगर 10 की पावर 2 करता हो तो बहुत ही लार्ज हो जाएगा, तो इंट में नहीं आ पाएगा। तो हमने बना दिया आंसर, आंसर इनिशियली इंट मेन क्योंकि हमें मैक्स लेना है। फिर दो वेरिएबल लेना था, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो वो भी क्योंकि प्रोडक्ट ही हो रहा है तो एक तो बोलते प्रीफिक्स और एक सफिक्स, वो भी वन हो जाएगा। तो लूप चलाएंगे, आई प्लस प्लस, सिंपली हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट कर रहे थे जो अभी प्रीफिक्स है और सफिक्स है। प्रीफिक्स स्टार इक्वल टू एरे ऑफ आई सेम। अब सफिक्स में क्योंकि हमें लास्ट से आना है, तो लास्ट से अगर आते हैं तो अभी मैंने बनाया इक्वेशन क्या होगा, एन माइनस आई माइनस वन। ठीक
ठीक है, अब ये हमने कैलकुलेट किया समहाउ कि ये जीरो आ गया, तो हमें दोबारा से सेट करना है एक इक्वल इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम क्या करेंगे फिर से सेट कर देंगे प्रीफिक्स बराबर वो, अगर हमारा सफिक्स वो जीरो आता है तो सफिक्स को कर देंगे अपन, अगर ऐसा नहीं होता तो हम आंसर को क्या कर देंगे मैक्सिमाइज, मैक्स ऑफ जो प्रीवियस मैक्स था और अभी जो इन दोनों में मैक्स आएगा प्रीफिक्स में और सफिक्स में, और उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे ये भी आंसर है। ठीक है, वन से लेकर के कंपाइल करते हैं, ठीक करेक्ट आ रहा है। आप एक बार नेगेटिव नंबर्स लेके देखते हैं, एक ही एलिमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है तो करेक्ट आ रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक है, ठीक है तो इनिशियली सफिक्स प्रीफिक्स क्या है वन है, सफिक्स भी वन है और आंसर क्या है इंट मीन है। ठीक है, और यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया जीरो, मल्टीप्लाई के बाद ये भी जीरो हो गया, फिर मैक्स को अपडेट कर रहे हैं तो मैक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्यों क्योंकि इनिशियली इंट मीन था और इनमें से मैक्स जीरो आएगा तो जीरो हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम पे आए उस दोबारा से क्या हो गया प्रीफिक्स सफिक्स जीरो हो गया, जैसे जीरो हो जाता है तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं वन के साथ, ओके, और जिसकी वजह से देखो क्या हुआ वन आया और नेक्स्ट स्टेप में आंसर वन हो गया, क्योंकि आंसर इसमें पॉसिबल है, यानी इस स्टेप को हमें नीचे लिखना है बस, कि पहले जो भी सब एरे आया उसका मैक्स ले लो फिर अपडेशन वाला पार्ट करो। ठीक है, अब इसे करते हैं, ठीक है सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे लॉजिक क्या है कि मतलब हर केस पे हमें क्या आ रहा है, या तो प्रीफिक्स आएगा जैसे मैं इस पॉइंट पे हो तो या तो इतने पार्ट आंसर होगा या इतने पार्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और जो भी मैक्स हम करते आएंगे तो हर इंडेक्स के कर रहे हैं, सुनो जब यहाँ आएंगे तो इतना हो जाएगा और ये, तो इसमें इतना ही मिलता है नेक्स्ट।